अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन दिस इज मी नोमान फ्रॉम वट मोबाइल। और आज हम इस वीडियो में ओप्पो के नए हैंडसेट का वीडियो रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि ओप्पो A71 है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग से। सो गाइस, दिस इज अ बॉक्स ऑफ ओप्पो A71। और इनसाइड द बॉक्स आपको सबसे ऊपर आपको मिलेगा स्मार्टफोन, और इसको साइड पे कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये गोल्ड कलर में है। इसके नीचे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ मिलेंगी। ये इसकी सिम इंजेक्टर टूल है, इसकी सिम स्लॉट्स को ओपन करने के लिए। और इसके नीचे ये इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, यूज़र मैनुअल बुक है, यूज़र गाइड ओप्पो A71 की। और ये इसका बैक कवर है प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंट बैक कवर दिया गया है A71 के साथ। और ये इसका चार्जिंग एडाप्टर है, और ये 1 एम्पेयर का है, और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। और ये इसकी USB केबल है, माइक्रो USB केबल, डाटा केबल। और ये इसके हैंड फ्री हैं ओप्पो A71 के। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं हैंडसेट की तरफ, बात कर लेते हैं ओप्पो A71 की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। ओप्पो A71 आता है 5.2 इंच स्क्रीन के साथ, और इसका जो डिज़ाइन है फुल यूनिबॉडी डिज़ाइन है विद स्मूथ एंड कर्व्ड एजेस। और इसका बैक पैनल जो है वो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, और इसके बैक साइड पर आप मिल जाता है 13 मेगापिक्सल कैमरा विद LED फ्लैश। और इसके सेंटर पर इसके नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और इसके नीचे ये ओप्पो की ब्रांडिंग हुई हुई है। और इसकी राइट साइड पे आपको मिल जाता है इसका पावर बटन, और इसके ऊपर ये इसकी सिम स्लॉट्स हैं, जिसमें आप इसके 2 नैनो सिम कार्ड और 1 माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके टॉप पे आप मिल जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक, और इसके बॉटम पे आप मिल जाता है इसके माइक्रो USB पोर्ट, और इसके साथ ये इसके स्पीकर ग्रिल्स हैं। और इसकी लेफ्ट साइड पर आप मिल जाता है इसके वॉल्यूम रॉकर्स, और इसके फ्रंट पैनल पर आप मिल जाता है 5 मेगापिक्सल कैमरा। इसके साथ इसके एयरपीस हैं, और इसके साथ इसके सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर्स वगैरह। और इसके बॉटम पे आप मिल जाता है इसके स्टैंडर्ड नेविगेशन कीज़, और ये इसके फिजिकल स्टैंडर्ड नेविगेशन कीज़ हैं। ओप्पो A71 आया है 5.2 इंच IPS डिस्प्ले के साथ, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 720x1280 पिक्सल्स है, और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 268 PPI है। और अब हम मूव करते हैं ओप्पो A71 के मजीद स्पेक्स की तरफ। ओप्पो A71 आया है मीडिया टेक की चिपसेट के साथ, और इसके ऊपर जो प्रोसेसर है 1.5 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, और इसमें जो GPU दिया गया है इसके ग्राफिकल परफॉर्मेंस को टैकल करने के लिए वह है Mali-T860 है। और इसमें जो बिल्ट इन मेमोरी दी गई है वो 16 GB है, और इसमें जो रैम है वो 3 GB है, और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है 7.1.1 दिया गया है, और इसमें जो बैटरी दी गई है वो 3000 mAh की बैटरी दी गई है। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेंसर मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर्स वगैरह। और अब हम मूव करते हैं ओप्पो A71 के बेंचमार्क स्कोर की तरफ। और हमारे पास जो ओप्पो A71 के बेंचमार्क स्कोर आए हैं वो है 42,180। सो व्यूवर्स, अब हम मूव करते हैं ओप्पो A71 की गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ, और इस पर गेम प्ले करके देखते हैं कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। और जो मैंने इस पर गेम इंस्टॉल किया है वो एसफॉल्ट 8 है। और गेम प्ले करने से पहले हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं कि इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है, और आफ्टर गेमिंग इसका टेम्परेचर कितना होगा। और इस वक्त जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो 30.3 है, और इस वक्त जो मेरे पास इसके फ्रंट पैनल पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है वो 32.9, ऑलमोस्ट 33 है। और इसके बैक पैनल का भी टेम्परेचर देख लेते हैं कितना है। इसके बैक पैनल का टेम्परेचर अभी 33.1 है। और अब इस पर गेम प्ले करते हैं, और आफ्टर गेमिंग हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे कि कितना राइज हुआ है। और अभी हम इस पर एसफॉल्ट 8 प्ले करने जा रहे हैं।
और इस वक्त जो मेरे गेम के ग्राफिक की जो सेटिंग है वो आप देख सकते हैं हाई ग्राफिक सेटिंग पे हुई भी। अभी हम इस पर हाई ग्राफिक सेटिंग पे ये प्ले करेंगे ये गेम एसफॉल्ट 8 और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सो व्यूवर्स वी आर प्लेइंग एसफॉल्ट 8 ऑन ओप्पो A71 और आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और मुझे कोई इतनी लैगिनेस शो नहीं हो रही, काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे कि आपको पता है इसमें 3GB रैम दी की है और 1.5GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें और इसमें आपको मीडिया टेक की चिपसेट मिलती है और इसका जो GPU है वो माली T860 है। और अगर हम इसके गेम की ग्राफिक की बात करें तो गेम इसकी जो ग्राफिक है काफ़ी अच्छी ग्राफिक है और काफ़ी हैवी गेम है और इसको आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल कर रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसकी गेमिंग का ओप्पो का। और जैसे कि आपको पता है इसमें मीडिया टेक की चिपसेट लगी हुई है और आफ्टर प्लेइंग हम इसका जो टेम्परेचर है वो नोट करेंगे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है मीडिया टेक की जो चिपसेट होती हैं वो हीटअप होती हैं और देखते हैं कि ये हीटअप होगी या नहीं और आफ्टर गेमिंग हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे कितना राइज हुआ है। और अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आपको आपको थोड़ी बहुत अगर ये जो लैगिनेस जो शो हो रही है मैं आपको बताता चलूँगा, इस वक्त जो मैं इसकी स्क्रीन है वो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से जो है थोड़ी बहुत अगर लैगिनेस शो जो हो रही है वो इस वजह से हो रही होगी क्योंकि मैं इसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसका गेमिंग रिस्पॉन्स। और हालाँकि इस वक्त तो मैं इसका स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बावजूद भी आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं काफ़ी ये फास्ट परफॉर्मेंस है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ज़्यादातर जो मीडिया टेक के जो चिपसेट होती है वो हीटअप ही होती है और मुझे थोड़ा अभी तक तो उतना कोई हीटअप में मुझे महसूस नहीं हो रही इसकी बैक साइड पर और इसके आफ्टर गेम के ही हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे कितना हीटअप होता है और कितना नहीं, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी और मुझे काफ़ी फास्ट लग रही है इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। एज पर्ल के और भी काफ़ी वर्जन आ गए हैं, काफ़ी अच्छी गेम है ये, काफ़ी खेली जाती है और मोस्टली मैं इस वजह से खेलता हूँ क्योंकि इसमें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस से आइडिया हो जाता है कि एक गेम बाकी गेम में कैसा रहेगा ये फ़ोन और बाकी गेम भी आप इस पर ईजीली खेल सकते हैं अगर इसने ये गेम इसका रन की है तो। सो व्यूअर्स अब हम इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं कि कितना राइज हुआ है और इसके फ्रंट पैनल का टेम्परेचर देख लेते हैं कितना राइज हुआ है 38.0 इसका मैक्सिमम टेम्परेचर इसके फ्रंट पैनल पे। जब हमने फर्स्ट इसके पैनल पे इस गेम प्ले से पहले भी देखा था उसको 33 था और इतना टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, मुझे इतना हीट अप महसूस नहीं हो रही, थोड़ा सी माइनर सा है टेम्परेचर राइज हुआ है लेकिन आई गेस इट्स ओके। और इसके बैक साइड पे भी इसका जो टेम्परेचर आ रहा है 37 आ रहा है लेकिन 36 शो कर रहा है या 37.8 इसके बैक पैनल का टेम्परेचर है। सो गाइस अब मूव करते हैं ओप्पो A71 के कैमरे की तरफ और इसके फ्रंट पे आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा और इसके बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल कैमरा है विद LED फ्लैश और इसके कैमरे से हमने काफ़ी पिक्चर्स क्लिक की हैं, उसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। और बात कर लेते हैं हम इसके पहले इसके कैमरे में जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोड्स दिए गए हैं उनकी, और इसमें आपको टाइम लैप्स मोड दिया गया है, वीडियो मोड, फोटो मोड और ब्यूटी मोड, पैनारोमा, एक्सपर्ट मोड। और इसके फ्रंट कैमरे में आपको ब्यूटी मोड में आपको जो इफेक्ट एक ब्लर इफेक्ट दिया गया है जिसमें आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर देता है और काफ़ी अच्छा वो इफेक्ट है। और इसमें आपको HDR मोड इसके फ्रंट कैमरे और बैक कैमरा दोनों में भी HDR मोड भी दिया गया है। और मैंने जो इसके कैमरे से जो पिक्चर्स क्लिक किए हैं मैं आपको दिखाता चलूँ,
और ये मैंने इसके फ्रंट कैमरे से पिक्चर क्लिक की है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो आप देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट है इसमें, मैंने ऑन किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस कैमरे का। और ये भी इस मैंने सेम प्लेस पे, और ये भी वही ब्लैक बैकग्राउंड जो ब्लर इफेक्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसके फ्रंट कैमरे का। और ये आप देख सकते हैं इसका विदाउट वो इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट ऑन किए बगैर ही मैंने फ्रंट कैमरे से पिक्चर क्लिक की है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ब्यूटी मोड ऑन करके मैंने पिक्चर क्लिक की थी, और ये भी मैंने इसके फ्रंट कैमरे से ही पिक्चर क्लिक की है, और ये मैंने इसके बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड की थी, और ये शाम का टाइम था। ये मैं आपको राइज करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका कैमरे का रिजल्ट, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसके कैमरे का, और कुछ काफ़ी डिटेल आप वीडियो से क्लिक कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। और ये मैंने शाम के टाइम पे ये मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, और काफ़ी उसका लो लाइट थे, और फिर भी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है। और मैंने इसे एक और वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, मैं आपको वो भी दिखाता था, देख सकते हैं काफ़ी फोकस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी जो है शार्प कर देता है मुझे, काफ़ी सर इसके बैक कैमरे का। और ये मैंने इसके बैक कैमरे से पिक्चर क्लिक की है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसके बैक कैमरे का, काफ़ी डिटेल इमेज आप क्लिक कर सकते हैं, और ये भी इसके बैक कैमरे का ही रिज़ल्ट है HDR मोड ऑन करके, और काफ़ी लो लाइट में मैंने पिक्चर क्लिक की थी, और ये भी इसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट है, ये मैंने इसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट है ब्यूटी मोड ऑन करके ये मैंने पिक्चर क्लिक की थी, ये इसका पैनोरामा शॉट है, लो लाइट में मैंने पैनोरामा शॉट क्लिक की थी, और ये भी इसके बैक कैमरे का रिजल्ट है। सो गाइज, ये था ओप्पो A71 का वीडियो रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर दें। सब्सक्रिप्शन लिंक आपकी लेफ्ट या राइट साइड पर आ रहा होगा। सो गाइज, दिस इज़ मी नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।